हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अडर 24/7। माय नेम इज ओन मेहता और चलिए स्टार्ट करते हैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 2। आई होप आप लोगों ने अब तक पिछला पार्ट देख लिया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब आप लोगों के लिए ये चैप्टर को बनाया जा रहा है, क्योंकि जितना बच्चों को मुश्किल लगता है उतना ही चीज़ों को आसान करने में मज़ा आता है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को। ठीक है, तो पूरी टीम लगी हुई है, तो अभी भाई फिलहाल तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बारी है, चलिए अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, हमने इसके बेसिक्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम करते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, उनके मेथड्स के बारे में बात करी थी कि भाई डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, और डायरेक्टिंग मेथड बाकी दोनों एक्टिविटीज़ के लिए होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। तो भाई आप लोगों को मैंने बता दिया था कि अब हमें सबसे मेन चीज़ जो पढ़नी है वो पढ़नी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हमें उसमें इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करना होता है। तो आज चीज़ों को आसान करते हुए, छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाते हुए, सारी चीज़ें एक साथ जब असेंबल होंगी तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो आपको एक बहुत बड़ा फॉर्मेट दिखाई दिया होगा, अगर आपने अपनी बुक को ध्यान से देखा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड, तो उसका अगर भाई आप देखोगे फॉर्मेट तो बहुत ही इलेबोरेट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की वजह से हम देख के डर जाते हैं। तो मतलब अगर आपको बोला कि भाई नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें प्लस माइनस होंगी, तो सारी नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें प्लस माइनस करके दिखा दी हैं, तो आप उसको देख के डर जाते हो कि भाई डेढ़ पेज का तो फॉर्मेट है। तो उसी फॉर्मेट को छोटा करके मैं आपके सामने लाया हूं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझा सकूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, डिफरेंस बिटवीन SPL बैलेंसेस। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है उसके बीच में डिफरेंस आता है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो बैलेंस है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट पता चलता है ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उसको यूज करते हैं। और उसके अंदर अब जो नेट प्रॉफिट है SPL का, तो उसके अंदर तो भाई जो ये नेट प्रॉफिट है वो आपको उसमें नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सारे एलिमेंट को यूज़ किया गया है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो PL अप्रोप्रिएशन की जो एक अप्रोप्रिएशन नेचर की चीज़ होती है उनको पहले हटाना पड़ेगा। जैसे आपका प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, या आपका इंटरिम डिविडेंड होता है, या फिर आपका जो प्रोविजंस होते हैं रिजर्व्स होते हैं उनको हमें एडबैक करना पड़ता है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, बाकी जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, जैसे कि हम बात करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जैसे हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट पेड, तो भाई ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इंटरेस्ट पेड क्या है, हमने कहीं से लोन ले रखा है, हमने कहीं पर डिवेंचर इशू कर रखा है, तो उनको हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे पैसा लिया है, फाइनेंस किया है हमने अपनी कंपनी को, तो वो ऑपरेटिंग नेचर की चीज़ है ही नहीं, और हमें अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करनी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पहले हमें इस प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाना है, फिर कैश बनाना है, ऑपरेटिंग कैश जो है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से फ्लो हो रहा है, और लास्ट में हम बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे कि भाई टोटल हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या इनफ्लो आया या आउटफ्लो आया। ठीक है, तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हटा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं इसकी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, तो भाई वो एक्सपेंस भी हो सकता है, वो इनकम भी हो सकती है, आई बात समझ में, एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या, इंटरेस्ट पेड, अगर इंटरेस्ट पेड के बारे में मैं बात करूं तो भाई ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे इंक्लूड है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक काम करते हैं, इसको हम माइनस यहाँ नहीं फाइनेंसिंग में करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा, ऐड कर दूंगा, ताकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इंपैक्ट खत्म हो जाए। तो एग्जांपल लिया है मैंने एक्सपेंस में इंटरेस्ट पेड का, और भी कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा तो उसको मैं क्या करूँगा, ऐड बैक करूँगा। फिर बात करते हैं इनकम का, तो मान लो भाई आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो अगर डिविडेंड रिसीव हुआ तो आप खुद समझो कि आपने कहीं किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, तो भाई ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से इन्फ्लो हो रहा है, बिना वजह इन्होंने हमारा प्रॉफिट बढ़ा रखा है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होती है वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देती हैं, इसलिए मैं उसको लेस कर दूंगा। तो एक एक एग्जांपल देके मैंने आपको नॉन ऑपरेटिंग चीज़ों के बारे में बता दिया। ऐसी नॉन कैश एक्सपेंस की, नॉन कैश आइटम्स की बात करें, जैसे डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन। बेटा ये नॉन कैश होता है और ये एक्सपेंस है, तो बिना वजह भाई जो पैसा गया ही नहीं उसको भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के आने और कैश के जाने पे ध्यान देना है ना, तो जब कैश गया ही नहीं तो मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ? तो भाई इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको अभी क्या कर दूँगा, रफ कर दूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझा भी दिया। तो जब हम ये कर लेते हैं, अब इसके जब आप फॉर्मेट देखोगे इसके अंदर बहुत सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें लिख कर दी होंगी, तो आप देखो हाय इतना बड़ा फॉर्मेट, तो भाई आपको डर लगने लगता है और नॉर्मली हर स्टूडेंट को डर लगने लगता है। तो चीज़ों को कॉम्पैक्ट करने के लिए मैंने एक लाइन में सम अप कर दिया और आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया। अब जैसे ही आप ये चीज़ें ऐड या लेस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि सारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश आइटम आपने हटा दी, तो अब जो प्रॉफिट बचा वो नेट प्रॉफिट नहीं, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन कैसा? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि इसके अंदर से अभी तक वर्किंग कैपिटल को आपने जो भी उसमें चेंजेस आए हैं उसको कंसिडर नहीं करा। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है, तो भाई ये जो चेंजेस हैं ये हैं करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने की बातें, तो इसको भी समझ लो, ये बहुत बढ़िया है। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप है SPL का बैलेंस लो, उसके अंदर ये चीज़ें करो, फिर दूसरा पड़ाव आ जाता है आप इस पे आ गए, तो ये इसी फ्लो को याद कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार करते 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 प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा, ये माइनस करूँगा तो ये आएगा, ये माइनस करूँगा तो फिर ये करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप पहला तो होता ही है भाई, कैसे याद करोगे, SPL में जो भी मिल रहा है वो नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सारी चीज़ों का मिक्सचर है, तो हमें तो भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी करनी है तो पहले सारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हटाओगे, तो ये अंडरस्टूड है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, जैसे ही आप सारी चीज़ें ऐड या लेस कर दोगे तो जो नॉन ऑपरेटिंग चीज़ थी वो हट गई, तो बचा क्या, ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग अब क्या आएगा, ऑपरेटिंग 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 प्रॉफिट आएगा, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब इसके आगे अपने आप याद आ जाएगा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और जैसे ही वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है, तो हम वो करंट असेट और करंट लायबिलिटी का जो कैपिटल उसमें जो घूम रही है, सर्कुलेट हो रही है, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लिखोगे। तो अब ध्यान से देखो बेटा, जैसे अगर हम करंट असेट के बारे में बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं डेटर्स, ठीक है, डेटर्स ले लो, तो डेटर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब वो भाई हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, वो हमारा स्टॉक उठा करके ले जा रहे हैं, उनसे अभी पैसा नहीं मिला, तो भाई ये क्या है, आउटफ्लो है, ये पैसा जा रहा है। या फिर इसको थोड़ा और सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि एकदम फटाक से दिमाग में आ जाए कि भाई हमने एग्जांपल लिया स्टॉक का, ये तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैंने परचेस करा होगा, इसका मतलब मैंने पैसा दिया होगा, इसका मतलब पैसा जा रहा है, यानी आउटफ्लो हो रहा है, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो जब भी करंट असेट इंक्रीज होगी तो उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से माइनस करके दिखाएंगे, कोई भी करंट असेट हो। अब अगर मान लो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है यानी मैंने सामान बेचा, गुड्स बेचे, तो पैसा आ रहा है यानी इन्फ्लो क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो जब भी करंट असेट डिक्रीज होगी तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, मैं ऐड बैक कर दूंगा। ठीक है, तो रूल हमारा क्या बना, करंट असेट इंक्रीज तो माइनस और करंट असेट डिक्रीज तो प्लस। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। अब इसका एग्जांपल ले लिया हमने मान लो एग्जांपल ले लिया क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को अगर मैं पेमेंट कर दूंगा, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। अब अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं, नहीं मैंने पेमेंट करी मतलब पैसा दिया तो माइनस, तो करंट लायबिलिटी घटेगी तो माइनस, करंट असेट घटेगी तो प्लस। देखो एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक, फिर अब अगर मैंने मान लो उधार सामान खरीदा तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए, इसका मतलब क्या कि मेरा पैसा जाता पर गया नहीं, यानी किसी और के बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ था वो मैं बिना पेमेंट किए यूज़ कर रहा हूँ, तो किसी और का पैसा मेरे बिजनेस में सर्कुलेट हो रहा है, तो पैसे का ना जाना भी क्या है बेटा, इन्फ्लो है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। तो इससे हमारे रूल्स क्लियर हो चुके हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस को लेकर के। क्या बने भाई रूल्स बने हैं कि करंट असेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, करंट असेट डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। और विद लॉजिक्स, रटने की जरूरत नहीं है, और दोबारा सुनना तो भाई वीडियो को पीछे खींचो और दोबारा से एक बार सुनो,
बहुत लॉजिकल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है। और जैसे ही आप ये काम कर दोगे, जैसे ही आप ये काम कर दोगे, प्लस माइनस क्या करोगे बेटा, आप क्या कर रहे हो बेटा, ऐड या लेस कर रहे हो करंट असेट और करंट लाइबिलिटी को, क्या क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आप ये कर दोगे तो आपका क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी भी शांति नहीं मिली भाई, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर लेती है जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं बनते। पिछले पार्ट में मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट की पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था, नहीं देखा तो बेटा एक बार पहले वो देख लो, तब जाके ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे ही आप डिफरेंस लेते हो SPL का, तो उसमें क्या करते हो बेटा, जितने भी प्रोविजंस हैं, अब प्रोविजन बनाया कि भाई मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो अभी से तैयारी कर लो, पैसा जोड़ के रखा हुआ है। क्या पैसा गया एक्चुअल में? नहीं गया, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा SPL है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंदर से उसका पैसा निकाल लिया, माइनस कर लिया, लेकिन पैसा एक्चुअल में गया नहीं है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, टैक्स देना है ना, तो भाई वो प्रोविजन एक्चुअल में वो खर्चे नहीं जिनकी पेमेंट हो रही है, तो इसलिए उसको हमने क्या कर दिया था बेटा, ऐड कर दिया था वापस से। लेकिन आप खुद सोचो कि एक्चुअल में साल खत्म होगा तो एक्चुअल में तो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो अमाउंट है वो और जो टैक्स पेड एक्चुअल में हो रहा है, उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो जो एक्चुअल में टैक्स पे होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और ये हम सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं उस वजह से टैक्स आ रहा है, तो वो हम क्या कर लेंगे बेटा, एक्चुअल में माइनस करेंगे। ठीक, क्या करेंगे बेटा, टैक्स पेड जो होगा, पेड प्रोविजन की बात नहीं, और ये टैक्स पेड वो माइनस करेंगे। ठीक है, और एक और चीज यहां पे इन्होंने बताई है, ऐड या लेस करेंगे EOI। EOI क्या है भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है बताते हैं। जैसे है कि आपका बिजनेस है तो अर्थक्वेक आ गया और आपका बहुत तगड़ा नुकसान हो गया, क्या ये लॉस नॉर्मल लॉस है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का है? आपने मान लो किसी पे केस किया और आपको उसके बदले में क्लेम मिला, कंपनसेशन मिली, मान लो 3 लाख रुपए, क्या ये नॉर्मल है? क्या आप डेली केस करके पैसा कमाते रहते हो? नहीं, ये आपका काम ही नहीं है, आपका तो काम है अपने गुड्स को बेचना। तो ये कुछ चीज़ होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की होती है, जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं बन सकती और ऑपरेटिंग भी नहीं होती, लेकिन और कहाँ जाएंगी, तो इसलिए ऑपरेटिंग में ही आती है। तो अगर मैं बात करूं कि मान लो भाई आपने केस किया किसी पर, आपको 3 लाख रुपए मिले, तो भाई ये 3 लाख रुपए हमारा जो प्रॉफिट है SPL उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, तो वो इनकम यहाँ पे एडेड है, वो इनकम यहाँ पे एडेड है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को माइनस कर दूंगा भाई, क्योंकि मुझे ये जो फ्लो देखने को मिल रहा है इसके अंदर मुझे अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी नॉर्मल बिजनेस में जो होता है उन प्रॉफिट्स को, उन कैश को क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड जब हम यहाँ पे सही चीज़ें दिखाते हुए चले जाएंगे, एट दी एंड ये इनकम हुई तो है और ये हमारे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन सकती है, इसलिए ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को मैं ऐड कर दूंगा। सर यहाँ पे स्लैश लगा करके लेस क्यों लिखा हुआ है? तो मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया भूकंप का, कि आपका नुकसान हो गया। अब नुकसान हो गया या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका, जैसे मान लो केस आपने करा तो आप केस हार गए, आपको कंपनसेशन देनी पड़ रही है, तो एक्चुअल में वो एक एक्सपेंस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हमने माइनस किया होगा, ऊपर क्या करा होगा बेटा, वो माइनस किया, वो क्या करा होगा इसमें होगा यहां पे। ठीक है, यहां पे मैंने ऐड बैक कर दिया होगा क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो वो माइनस ही होगा ना। तो इस तरीके से बेटा आपको चीजें समझ में आएंगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस देखो, अभी मैं कंसेप्ट समझना जरूरी है, पहले कंसेप्ट ही समझा जाएगा, एक साथ कंसेप्ट और एक साथ क्वेश्चंस नहीं चल सकते एक ही टाइम पे ना, तो अभी पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको पूरे कंसेप्ट मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइए कि सर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और इसके बाद पार्ट वाइज भी आपको सारी वीडियोस मिल चुकी हैं। ये लास्ट वीडियो आपके पूरे कोर्स की, तो हमने पार्ट वाइज भी पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। अगर आपको वन शॉट में सारी वीडियोस देखनी है तो वहां पे भी आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, तो आपकी तैयारी तो भाई हो गई, आपको बस पढ़ना रह रहा है, आपकी प्रैक्टिस रह रही है। तो बस आपके लिए जो आप अपना इनपुट्स दीजिए कि आपके लिए हम आगे क्या प्लान करें, तो वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आप ये चीज़ें ऐड या लेस कर देंगे तो फिर आपका क्या है, कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे यही चाहिए था हमें। ठीक है, और यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा कैलकुलेशंस खत्म हो जाती हैं, और ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपके लिए ये चीज़ शॉर्ट कर दी, कितना बड़ा फॉर्मेट है इसका, है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि जो मैं आपको बता रहा था
SPL के बारे में कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की होती हैं, तो उसके लिए तो वैसे तो आपका SPL वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, लेकिन आपने ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ठीक है, PL अप्रोप्रिएशन बनाया, तो उसी फॉर्मेट में आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा हो, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, SPL का ऐसा फॉर्मेट नहीं होता, फिर भी ठीक है मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस होते थे, तो यहाँ पे क्या आता था बेटा, सैलरी आती थी, ठीक है, यहाँ पे क्या आता था, रेंट आता था, यहाँ पे क्या आता था, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, ठीक है, यहाँ पे क्या आता था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, या शेयर, या फिर क्या था, इंटरेस्ट पेड, और क्या आता था भाई, और आता था लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारी चीज़ें आती थी। अगर यहाँ पे देखें तो क्या आएगा भाई, जैसे यहाँ पे आता था आपका डिविडेंड रिसीव्ड, मैंने बता दिया, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये चीज़ें बता दी भाई मैंने आपको, ठीक है। तो देखो ये तो ठीक है, सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सही नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटा, ये माइनस कर रहा बिना वजह, इसको प्लस कर दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वापस से, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में माइनस का होना चाहिए, ये फाइनेंसिंग में माइनस होना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होना चाहिए। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड की बारे में बात करो तो ये भी बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होना चाहिए, और इसको ऑपरेटिंग में ऐड बैक करो, तो बिना वजह माइनस क्यों कर रखा है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बेटा जब हम कोई एसेट बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है, और अगर पैसा कम मिल रहा है तो लॉस हो रहा है, तो ये भाई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ना कि ये भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐड बैक हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक। फिर यहाँ पे बात करें, ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने ली हैं ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और इस वजह से हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रही हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको हम माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो एक बार हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की नज़र से भी देखना होता है कि किस तरह से हमारा SPL काम करता है, और भी अकाउंट्स है जिसको भी हमें देखना है, अच्छे से समझो, देखो क्या होता है। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है @WDV, फिक्स असेट अकाउंट WDV पे, और ये चीज़ें बेटा आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आ रही हैं वो आपके 11th क्लास को चेक करेंगे कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है। और यहाँ पर फिक्स असेट अकाउंट बनाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसी से हमें नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन का पता चलेगा, यहीं से हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक। तो इसलिए ये चीज़ें पढ़ना, ये चीज़ें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बेटा सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फिक्स असेट अकाउंट @WDV का मतलब क्या है। बेटा WDV का मतलब होता है जब कोई भी असेट की कॉस्ट में से क्या माइनस होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होता है, तो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं WDV, ठीक है। आपको अगर ये लग रहा है कि WDV का मतलब है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, नहीं, डेप्रिसिएशन भाई SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से भी हो सकता है, WDV मेथड से भी हो सकता है, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो कोई भी डेप्रिसिएशन हो किसी भी मेथड से, अगर मैं माइनस करूँगा तो जो अमाउंट आएगा वो क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी रिटर्न मतलब लिख दी हमने, डाउन मतलब कम करके वैल्यू को, और वैल्यू को कम करके कब लिखते हैं, जब डेप्रिसिएशन लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो है आपका WDV पे शो हो रहा है, इसका मतलब इसी अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। आई बात समझ में, इसी अकाउंट के अंदर क्या चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट की बात कर रहे हैं, असेट के जो बेटा ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ होते हैं, डेबिट साइड में होते हैं, तो लिखेंगे टू बैलेंस, BD लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे होगा बाय बैलेंस, CD लिखेंगे, ठीक है, सही है, आसान है, बढ़िया है। अब अगर हम देखें तो बढ़िया है। अब डेबिट साइड से हमेशा हमने देखा कि एसेट इंक्रीज होती है, और क्रेडिट साइड से देखा है हमने कि हमारी जो एसेट है वो डिक्रीज होती है, ठीक। तो अगर मैं और फिक्स एसेट खरीदूंगा तो बेटा यहीं पे आएगा, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा और फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे लिखूं फिक्स एसेट परचेज्ड, ठीक। अब अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात करें तो इधर आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड से क्या होता है बेटा, क्रेडिट साइड से क्या होता है, आपकी जो असेट्स हैं वो कम होती हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट से कम हो रही है, ठीक है, और किससे कम हो रही है, जब मैं बेचूंगा तब कम हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, फिक्स असेट सोल्ड, आ रही है बात समझ में। और क्या होगा बेटा,
अगर आपने कोई एसेट बेची है और आपको उस पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो बेटा यहाँ पे लिखोगे SPL, कंपनी के केस में कर रहे हो ना, तो SPL क्या है बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अगर ये ना हो रहा हो तो बेटा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर लॉस नहीं हो रहा तो प्रॉफिट पे बेचोगे ऑब्वियसली। तो क्या है, SPL आ जाएगा यहाँ पे, क्या लिखूँ मैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यही सब आता है। अब बेटा इसको अगर हम कैश फ्लो की नज़र से समझ रहे हैं, क्योंकि हम कैश फ्लो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखो, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये ऐड बैक हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब आपको जब भी कोई भी अकाउंट बनाना है और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बना रहे हो, तो आपकी नज़र में सिर्फ यही तीन एक्टिविटी चल रही होनी चाहिए, जो भी आप देखो उसको इन तीन एक्टिविटी में कहीं ना कहीं रखो, आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी अकाउंट का बैलेंस है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता कैश फ्लो स्टेटमेंट में, बाकी चीज़ों का होता है। तो देखो बेटा, अगर हमने असेट खरीदी है, परचेज करी है, तो बेटा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा जा रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक, फिर SPL की बात करते हैं, तो SPL के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, तो बेटा ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्रॉफिट है, तो ये बिना वजह हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करा तो मैं माइनस करूँगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा दिमाग में लाओ। ठीक, अगर लॉस है तो ये क्या कर रहा है बेटा, बिना वजह हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, हमारे जो प्रॉफिट है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो इसको मैं ऐड बैक करूँगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इन्वेस्टिंग का पार्ट है भाई, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, जो ऑपरेटिंग का नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो या तो फाइनेंस का होगा, वो इन्वेस्टिंग का होगा। फिर बात करते हैं कि हमने असेट बेच दी, तो बेटा पैसा आया होगा किसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको बाइफरकेट करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, हर चीज़ को बांट दो तीनों दिशाओं में, सर चार होती हैं बेटा, कैश फ्लो में तीन है। ठीक है, चलो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। और अगर हम बात करते हैं कि आप फिक्स असेट अकाउंट को कॉस्ट पर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज नहीं हो रहा कॉस्ट पे, इसका मतलब इसमें अभी तक कुछ माइनस नहीं हुआ है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड लगता है ना, कंसेप्ट लगता है हमारा। तो अगर कॉस्ट पे दिखा रहे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा होगा क्या असेट पे, हो रहा होगा लेकिन इस अकाउंट में नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, प्रोविजन में हो रहा है। तो जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी WDB पे अगर आप दिखा रहे हो अपनी असेट्स को, दैट मीन्स के प्रोविजन अकाउंट नहीं बना है, और अगर आप कॉस्ट पे दिखा रहे हो इसका मतलब प्रोविजन अकाउंट भी डेप्रिसिएशन के लिए बना हुआ है। तो चीज़ें तो सेम होंगी, यही सारी चीज़ें होंगी कॉस्ट पे भी, लेकिन इसमें से डेप्रिसिएशन वगैरह उठ के कहाँ चला जाएगा, प्रोविजन अकाउंट में चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और बाकी चीज़ें कहाँ रह जाएंगी बेटा, इसी में रह जाएंगी। तो जैसे ये असेट है तो इसका भी वही डेबिट बैलेंस होगा, बैलेंस BD, और यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस CD। ठीक है, चलो और क्या होगा, डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगा नहीं, तो यहाँ पे और क्या आएगा भाई, जब हमने असेट बेची होगी ये वाली, बैंक अकाउंट क्या लिखूँ मैं, फिक्स असेट सोल्ड। ठीक है, अगर असेट खरीदूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट क्या लिखूं भाई, फिक्स्ड असेट परचेज्ड। अब ये तो आपको पता ना, परचेज्ड है तो इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आउटफ्लो हो रहा तो माइनस करेंगे। तो ये चीज़ें बेटा आपको दिमाग में लगानी है अपने। ठीक है, अब अगर मैं मान लो कॉस्ट पे दिखा रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जब बेचोगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से उतना प्रोविजन खींच कर लेकर आओगे कि जितनी असेट बिक रही है। हमेशा ध्यान रखना, जब असेट अकाउंट भी बन रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब भी आप असेट को बेचोगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से जो असेट बिक रही है उतना डेप्रिसिएशन उठा करके ले आओगे, क्योंकि आपको जिस टाइम पे असेट बेचनी होती है उसका पूरा हिसाब किताब चुकता करते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे वही आएगा बेटा, SPL क्या है बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, अपोजिट इसका क्या हो सकता है कि प्रॉफिट भी तो हो सकता है, तो लिखेंगे SPL में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। ठीक है, तो अब प्लस माइनस जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही एंगल से आप क्या कहते हैं यहाँ पे भी देख सकते हैं। और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बनेगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। ये क्या है, लायबिलिटी होती है, प्रोविजन रिजर्व सब लायबिलिटी होती हैं। लायबिलिटी के जो बैलेंस होते हैं बेटा वो क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं, तो बाय बैलेंस BD लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा बेटा, टू बैलेंस CD लिखेंगे। ठीक है, चलो भाई आपको ये बात समझ में आ गई।
अब प्रोविजन जब भी क्रिएट होगा मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड से ही होती है लाइबिलिटी हमेशा इंक्रीज। और कहाँ से होती है बेटा? एसपीएल। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोविजन क्रिएटेड, ठीक है, प्रोविजन क्रिएटेड, ओके। और जब यहां पे जाएगा, जब आपका जो फिक्स असेट अकाउंट के अंदर जाएगा, जब असेट बिकेगी तो डेप्रिसिएशन यहां से निकाल के लेके जाएंगे, तो कहां जाएगा? फिक्स असेट अकाउंट में लेकर जाएंगे। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये है कि जो प्रोविजन क्रिएट हुआ है ये एक्चुअल में पैसा गया नहीं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक हो जाएगा, ठीक है, बैलेंसेस की वैल्यू नहीं है, ठीक है, फिक्स असेट अकाउंट में जो जाएगा उसकी भी टेंशन नहीं है। चलो अब बात करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड की। किसकी भाई? प्रपोज्ड डिविडेंड। अब बेटा ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा बच्चों को लगता है, लेकिन मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आप उस चीज़ से एग्री करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, एग्री नहीं करते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप उसके लिए मेरे को अपने विचार ज़रूर रखें कमेंट बॉक्स में, है ना। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो भाई, प्रपोज डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें तो भाई डिविडेंड प्रपोज किया जाता है क्योंकि देखो जो कंपनी को चलाते हैं वो कौन होता है बेटा? डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन लेकिन फैसले किसके होते हैं बेटा? ओनर्स के होते हैं। सर कैसे बेटा? साल में एक बार ही क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं AGM, एनुअल जर्नल मीटिंग। तो वो बताते हैं आगे के साल के लिए इनके क्या क्या अप्रोचेज हैं, क्या बजट है, कैसे कैसे होगा, और पिछले साल में क्या क्या परफॉर्म किया है। तो इसी AGM के अंदर बताया जाता है कि भाई इतना प्रॉफिट आया है और हम सोच रहे हैं कि इतना हम प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स में यानी मालिकों में बांट दें। तो क्या आप लोग एग्री करते हैं? तो भाई वो एग्री करेंगे। जब एग्री करेंगे तो ये जो क्या है, ये है प्रपोज करना डिविडेंड को। क्या करना बेटा? प्रपोज करना, वादा कर रहे हैं कि ठीक है चलो आप मान गए तो हम आपको ये डिविडेंड पे कर देंगे। किया नहीं है, कर देंगे। तो अगर मान लो कि भाई ये आपका अकाउंटिंग ईयर है और यहां पे AGM हुई थी, तो भाई ओपनिंग में प्रपोज डिविडेंड होगा और अभी तक कंपनी ने ये पैसा दिया नहीं है, तो कंपनी के लिए क्या बेटा? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। ऐसे ही जब ये साल खत्म हो रहा होगा तो यहां पे भी AGM हो जाएगी और क्लोजिंग में भी क्या होगा बेटा? प्रपोज डिविडेंड होगा। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड होगा। तो बेटा जो पिछले साल वादा करा, आज ओपनिंग में ही ये क्या था बेटा? ओपनिंग में ये लाइबिलिटी थी, प्रपोज डिविडेंड था, तो भाई पिछले साल का वादा इस साल तो पूरा होगा, यानी डिविडेंड पे करेंगे। सर नहीं किया तो बेटा, पहली बात तो ये कंपनीज एक्ट के द्वारा भाई ये लिमिट्स दी होती है कि भाई अगर आपने प्रपोज किया है डिविडेंड तो इतने टाइम पीरियड में आपको करना ही पड़ेगा, तो विद इन 1 ईयर तो वो हो ही जाएगा जो प्रपोज किया है, ठीक। और अब जो अगले साल किया है, जो अगले मतलब इस साल में AGM हुई थी, इस साल में AGM हुई थी, वो नेक्स्ट ईयर बेटा, नेक्स्ट ईयर में क्या कहते हैं पे होगा। यानी खर्चा कब का? खर्चा करंट ईयर का। ये जो प्रपोज किया है खर्चा करंट ईयर का है, और जो अभी हम पे कर रहे हैं डिविडेंड पे कर रहे हैं वो पिछले साल का खर्चा है, एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। समझ में आ रही है बात? क्योंकि वादा कब किया था, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से कब हुआ था, वो पिछले साल ही हो गया था खर्चा, वो अलग बात है, पेमेंट नहीं करी, पेमेंट इस साल करी है। तो ये आपको फंडा समझ में आना चाहिए कि होता क्या है कि भाई एक्रूअल बेसिस के हिसाब से SPL के अंदर पिछले साल आ गया होगा, इस साल लाइबिलिटी बन के जिंदा है ओपनिंग में, तो इस साल के अंदर अंदर पे कर देंगे और इसी साल के अंदर जो मीटिंग होगी, जो प्रॉफिट्स कमाएंगे उसको दोबारा से प्रपोज करेंगे डिविडेंड को, और वो नेक्स्ट ईयर में पे होगा भले ही वो खर्चा इस साल का है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अब हम प्रपोज डिविडेंड को पढ़ते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड का एक लाइबिलिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा बेटा? बाय बैलेंस BD क्रेडिट साइड पे होगा, ठीक है। अब जैसे इसके लिए मान लेते हैं ये 150,000 है ओपनिंग बैलेंस, यानी पिछले साल के वादा किया हुआ था, पिछले साल का एक्सपेंस है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा जो इस साल हमने प्रपोज किया है, ठीक है। टू बैलेंस CD मान लो 2,00,000 रुपये है, ठीक है। इस ईयर प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया? नालायक डिविडेंड प्रपोज किया। ये प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड,
यानी प्रीवियस ईयर में प्रपोज किया ये डिविडेंड। तो कहने का मतलब देखो वादा, अब ये क्या है, जो ये प्रीवियस ईयर का था वो इस साल पे हो जाएगा, इस साल पे हो जाएगा ना। अब नॉर्मल अकाउंट्स हम कैसे करते थे कि भाई इधर का टोटल 1.5 लाख, इधर का टोटल 2 लाख, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया 50,000 का बैलेंस। ऐसे नहीं होगा, जब ये लाइबिलिटी पे हो जाएगी तो बेटा क्रेडिट साइड से पे होगी, सॉरी डेबिट साइड से पे होगी। लाइबिलिटी जब भी पे होती है बेटा, लाइबिलिटी जब भी पे होती है तो कम हो जाती है, और लाइबिलिटीज डेबिट साइड से ही डिक्रीज होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। तो ये क्या है बेटा, डिविडेंड, ये क्या है, डिविडेंड पेड है, और डिविडेंड पेड हो गया। अब जब ये 2 लाख रुपए मैंने करंट ईयर में बेटा, इस ईयर यानी करंट ईयर में ही प्रॉमिस किया है, तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से एसपीएल के अंदर तो अभी चार्ज कर दिया होगा हमने। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा बाय एसपीएल, ठीक है। क्या है ये, डिविडेंड प्रपोज्ड, कितना प्रपोज किया है, 2 लाख रुपए का। तो इस साल का खर्चा कितना, 2 लाख रुपए। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब बेटा यही है जो है, अब मैं क्या बता रहा था कि जो बैलेंसेज होते हैं उनकी कोई ज़रूरत हमें नहीं होती। अब अल्टीमेटली हमें इसको ही देखना है। तो डिविडेंड पेड, डिविडेंड क्या है, जब मैंने किसी को शेयर इशू करा उससे पैसा लिए, बिजनेस को फाइनेंस किया है, फाइनेंस किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ये पे हो रहा है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑपरेटिंग पढ़ाते पढ़ाते हम क्या कर रहे हैं बेटा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी पढ़ रहे हैं। अब देखो एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये ऑपरेटिंग में इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब कैश फ्लो निकालते हैं तो हमारे एसपीएल के अंदर बिना वजह डिविडेंड प्रपोज्ड, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, वो हमारे नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट डाल रहा है। तो बिना वजह हमारे नेट प्रॉफिट को ये क्या कर रहा है बेटा, ये कम कर रहा है, जो कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। तो मैं इसलिए क्या कर दूंगा बेटा, ऐड बैक कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कि भाई तुम नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो। क्या ये बेटा नॉन ऑपरेटिंग है ना, तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों पंगा ले रही हो एसपीएल में आकर के, है ना। तो इसलिए मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्सपेंस माइनस होते हैं, मैंने ऐड बैक कर दिया ताकि इंपैक्ट जीरो हो जाए, ठीक है। और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही शो होगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको लॉजिक के साथ मैंने चीज़ समझाई कि हमने यहाँ पे 2 लाख और 1.5 लाख था, तो हमने 50,000 का बैलेंसिंग क्यों नहीं करा, ठीक है। तो हम जो पे कर रहे हैं वो क्या है बेटा, 1.5 लाख रुपये पे कर रहे हैं, और जो हमने प्रपोज किया 2 लाख रुपये एसपीएल में आएगा, जो कि बाद में बैलेंस बना रह जाएगा, क्योंकि इस साल ही तो हमने इसको प्रपोज किया है बैलेंस और डिविडेंड। तो वो इस साल तो पे हो नहीं रहा, वो नेक्स्ट ईयर पे हो रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, प्रपोज डिविडेंड की कहानी मेरी जुबानी है ना। चलिए अब प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो भाई प्रोविजन मैंने जैसा कि बताया सारे क्या है, एक्सपेंसेस ही है, सॉरी लाइबिलिटीज ही है। तो कहां पे शो हो रहा होगा इसका, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी में शो हो रहा है भाई, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस होगा इसका, टू बैलेंस सीडी में होगा, क्योंकि देखो टैक्स तो हमेशा पे करना ही, कमा रहे हो तो इनकम टैक्स तो लगेगा ही, लगता ही रहेगा, तो भाई प्रोविजन भी बनाते ही रहोगे आप, ठीक। अब मान लो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था मान लो साठ हजार था, और आपका क्लोजिंग बैलेंस बेटा 40,000 था। आपने एक्चुअल में जो टैक्स पे किया है वो यहां पे आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी डेबिट साइड से ही कम होती है। तो जब आप टैक्स पे करोगे तो यहां पे आएगा बैंक अकाउंट, डेबिट साइड पे आएगा। तो ये क्या है, टैक्स पेड, क्या है भाई ये, टैक्स पेड। और आपने टैक्स पे किया है, आपने टैक्स पे किया बेटा 80,000 का, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि आपके पास 60,000 रुपए थे, तैयारी थी कि भाई जब टैक्स पे भरना होगा, मेरे पास 60,000 रुपए हैं। पता चला कि आपकी जो भी इनकम वगैरह हुई तो उस पर लगा टैक्स टोटल 80,000 रुपए जो आप पे करोगे। तो आपको कितने की और जरूरत है बेटा, आपको कितने की और जरूरत है, आपको 20,000 की और जरूरत है, लेकिन आपको और भी प्रोविजन बना के रखना है। तो आपने यहाँ पे टोटल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 1,20,000 रुपए का। तो 1,20,000 रुपए का आपको यहाँ पे टोटल दिख रहा है कि आपने 80,000 पे करने के बाद भी आपका जो बैलेंस था वो 40,000 और रहा प्रोविजन का। तो 60 से पहले 20 एक्स्ट्रा ये हुए और 40 ये, 60,000 रुपये बैलेंसिंग कर लो, 1,20,000 ये, इधर भी टोटल 1,20,000, और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, 60,000 अमाउंट आ रहा है बैलेंसिंग। तो
तो ये क्या है बेटा, ये प्रोविजन क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय SPL, ठीक है, प्रोविजन क्रिएटेड। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जब जब प्रोविजन क्रिएट करेंगे वो एक्चुअल में पेमेंट तो नहीं है, पेमेंट नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लो। अब जो नॉन ऑपरेटिंग है तो भाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कम कर रहा है, प्रॉफिट को कम कर रहा है, तो इसको ऐड बैक करेंगे बेटा ये, क्योंकि हमारा सॉरी नॉन ऑपरेटिंग बोल दिया मैंने, एक मिनट, प्रोविजन नॉन कैश होता है, ठीक है, प्रोविजन क्या होता है, नॉन कैश होता है, क्योंकि पेमेंट तो हो नहीं रही ना इसकी। चलो बैलेंसेस का यूज करना नहीं है, किसी भी बैलेंस का यूज नहीं करना कभी, टैक्स पे हुआ है तो बेटा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऊपर कहां पे बेटा, ऊपर ऐड होगा, ठीक है, ध्यान से देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। यहां पर मैंने बोला ना, यहां पर हम प्रोविजंस को क्या कर रहे हैं, हम प्रोविजंस को ऐड बैक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में टैक्स पे हुआ है, टैक्स पे तो लेस होगा ना, तो नीचे ये देखो ये ऊपर है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये ऊपर का हिस्सा है ना और ये नीचे का हिस्सा है भाई, तो लेस होगा नीचे, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर ऐड हो रहा है और ये जो टैक्स पेड है एक्चुअल में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही लेस हो रहा है लेकिन नीचे, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, आसान है, बहुत आसान है, ठीक। अब ये हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बिल्कुल चीर फाड़ करके अच्छे से पोस्टमार्टम करके आपको पढ़ा दिया है। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट मेथड है भाई, डायरेक्ट मेथड है, कोई भी घुमाना फिराना नहीं है कि ये नहीं जुड़ना चाहिए था, जोड़ दिया, माइनस कर दो, अब ये सारी चीज़ जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो आ रहा है वो प्लस, जो जा रहा है वो माइनस, बस सिंपल खत्म। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी असेट से रिलेटेड, असेट से और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है, तो बेटा देखो क्या प्लस होगा, मैं असेट या इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो वो प्लस होगा, तो पैसा आएगा, मतलब पैसा आएगा तो मैं प्लस करूंगा, अगर मैं असेट या इन्वेस्टमेंट पूरा भी नहीं लिखा मैंने, चलो आप समझ जाओगे, इन्वेस्टमेंट अब लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट बेटा परचेस करूंगा तो पैसा जाएगा ना, अब मैंने असेट बनाई, मान लो बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाई तो मैंने भाई उस पर किराए पे चढ़ा दिया, रेंट मिल रहा था तो रेंट रिसीव्ड, ठीक है, मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए तो मुझे डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब इनकम है, इन्वेस्ट क्या है बेटा, इनफ्लो है, तो सब ये इन्वेस्टिंग की वजह से ही तो है कि मैंने इन्वेस्ट किया था बिल्डिंग में, मैंने इन्वेस्ट किया था दूसरी कंपनी के शेयर में, मैंने किसी को लोन दिया था, मैंने किसी को मैंने किसी से डिबेंचर खरीदे थे किसी कंपनी के, तो डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हो रहा है, तो इन्वेस्ट इंटरेस्ट ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम है जो आपको पैसा दे रही है, तो इसलिए ये एड बैक हो जाएंगे। माइनस क्या होगा बेटा, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज या फिर कमीशन पेड, भाई आप बिल्डिंग खरीद रहे हो बेच रहे हो तो भाई प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दोगे ना, तो ये सिंपल सी चीज़ें, इससे ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान है, ठीक है, ऐसी ही चीज़ें आती हैं। फिर बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेटा फंड रेस करने से रिलेटेड होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फंड रेस से रिलेटेड, ठीक है। अब फंड रेस से रिलेटेड तो बेटा क्या होगा, प्लस हो जाएगा बेटा, इशू कर दिया हमने, क्या इशू कर दिया हमने शेयर्स को तो पैसा आएगा ना, या डिबेंचर्स को इशू कर दिया तो पैसा आएगा ना, ओके, हमने क्या कर दिया बेटा, लोन ले लिया, लोन टेकन, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं बेटा, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, लोन टेकन, ठीक है। अब आप क्या करो बेटा, आप लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करोगे, तो ये इन्हीं वजह से जो खर्चे हो रहे हैं, इंटरेस्ट पेड, तो बेटा रिसीव करोगे तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन पे करोगे तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ठीक। तो इस तरह से सारी चीज़ जो आएंगी वो यहाँ पे हम प्लस माइनस करते हुए चले जाएंगे, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा का सारा
समझा दिया गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आपको प्रैक्टिस करनी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई भी दिल में अगर बात है फीडबैक जरूर दीजिए क्लासेस का, और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो भाई लाइक शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 12 के वन शॉट के फॉर्म में पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, और अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो बेटा ये लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो पार्ट वाइज वीडियोज भी अगर आपको तसल्ली से धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा कर दोबारा से कोर्स खत्म कर दिया दो बार, कॉमर्स 24/7 चैनल पर ये कोर्स कंप्लीट हो चुका, तो चेकआउट करिए प्लेलिस्ट को फॉर कंप्लीट अकाउंट्स। बस एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, आप 13 वीडियोस देखिए पूरा कोर्स खत्म, ठीक है। पार्ट वाइज देखना तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी अगर आपको सीयूटी के लिए भी साथ में पढ़ाई करनी है क्लास 12 के, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं समर्थ 2.0 बैच के अंदर, और उसमें आपको मिलेगा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, आपको क्लास 12 और सीयूटी का फुल सिलेबस मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, और जो आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी वो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको पहुंचा दी जाएंगी, ताकि आप रिवीजन कर सके बार बार देख देख के, और आपको आउट सेशन लिए जाएंगे। और जब अगर आपको ये बैच में एनरोल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कोड लगाइए Y550, या कुछ भी अगर आपको परचेस करना मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज कुछ भी, तो आपको ये कोड मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, ठीक। और बाकी इस क्लास को प्यार दे दीजिए। कैसे प्यार देंगे भाई, प्यार देंगे आप अपने लाइक से, शेयर से, तभी भाई आप इतना आप हमारे लिए कर सकते हैं। एंड कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए क्लासेस कैसी लग रही हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आगे बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है। एंड बस जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई आप किस तरह से भाई पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। तो आपको यूट्यूब पर जाना है, जो भी आप फिलहाल चैनल देख रहे हैं उसी पर, कॉमर्स अड्डा 24/7। ठीक है, कॉमर्स अड्डा 24/7 जैसे आपने सर्च किया ये आ गया आपका कॉमर्स अड्डा 24/7। ठीक, आपको क्या करना, प्लेलिस्ट पे जाना भाई, आपको हर एक चीज़ दिखा दूंगा भाई। लास्ट क्लास तो ये है ही कंसेप्ट की, फिर प्रैक्टिस के लिए जुड़ना है, क्लास 11th के लिए आपके भाई बहनों के लिए पूरा अकाउंट BST इकोनॉमिक्स सब कुछ तैयार है, इंग्लिश तैयार है। अब देखो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 पार्ट वाइज प्रिपरेशन, जो अभी आप क्लास देख रहे हैं वो इस प्लेलिस्ट के अंदर पूरा कोर्स हो चुका है बेटा, पूरा कोर्स थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी वीडियोस में आपको पूरा कोर्स करा दिया गया है। तसल्ली से देखने के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि भाई हाँ अभी टाइम है, तो इसको पूरा आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं वन शॉट्स की, तो बेटा वन शॉट वीडियोज यहाँ पे ये रही, ये अकाउंट्स BST इकोनॉमिक्स भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो चैप्टर आपके क्लास 12th में CBSE में वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, फंडामेंटल्स है, ठीक है, गुडविल है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन है, शेयर कैपिटल की थ्योरी, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिवेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा का पूरा कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स, ठीक है। तो बस ऐसे ही बेटा जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए भी आने वाली हैं, और आपको बहुत 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 मेहनत करनी है हमारे साथ मिल करके, और हम भी पूरी टीम साथ में लगे हुए हैं आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम, आपके CUET के लिए बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हुआ है, तो भाई क्या करें, प्यार जरूर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।